तो हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें यूट्यूब चैनल का कस्टम अलग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहे अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो देखिए गाइस, यूट्यूब का कस्टम अलग चेंज करने के लिए आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करते आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। एक बार न्यू टैब ओपन हो जाएगी। न्यू टैब ओपन होते ही आपको होम यूट्यूब पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट टाइम पे आपको लॉगिन करने को बोलेगा, तो आप अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। तो इधर आपको फिर थ्री डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट, तो डेस्कटॉप साइट लोडिंग ले रही है, तो आपको थोड़ा सा जूम करके तो आपको साइड में एक अपना वो दिख रहा होगा प्रोफाइल का आइकन, ये देखिए। इस पे टैप करते ही आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ ओपन होगा, आपको एडवांस सेटिंग भी एक बार टैप कर देना है। एडवांस सेटिंग में टैप करते ही आपको ऐसा कुछ शो होगा यूर कस्टमर, तो हम इस पर एक बार टैप करते दिखाना है। लर्न मोर अबाउट कस्टमर्स हेयर, इधर आपको क्लिक करना है। तो अभी कुछ लोडिंग लेगा, सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, थोड़ा सा हम करेंगे इसको स्क्रॉल डाउन। इधर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, रिमूव कस्टमर लेस क्लेम आने हो, तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे ऐसा कुछ ओपन होगा, आपको अबाउट में भी एक बार टैप कर देना है। अबाउट में अभी ओपन हो रहा है, तो देखिए अबाउट में ओपन होते ही आपका अगर दूसरा अकाउंट इधर ओपन हो जाता है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपको इधर प्रोफाइल दिख रही होगी, इस पर आपको टैप करके अपना जिस ईमेल से बना है वो प्लस सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे देखिए मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो सेलेक्ट करने के बाद आपके बारे में सब कुछ बता देगा। तो थोड़ा सा ऊपर करेंगे आपका नंबर नंबर सब आ जाएगा। तो इधर आपको योर कस्टमर, इस पर आपको एक बार टैप कर देना है। टैप करते ही आपको रिमूव पे क्लिक कर देना है, फिर रिमूव। तो देखिए अब हमारा रिमूव हो गया है। अब हमको फिर से इधर से थ्री डॉट पे क्लिक करके न्यू टैब ओपन कर लेनी है। न्यू टैब ओपन करते ही आपको फिर से यूट्यूब ओपन करना है अपना चैनल। फिर से आपको वही डेस्कटॉप साइट, तो भी डेस्कटॉप साइट ओपन हो गई है। डेस्कटॉप साइट ओपन होने के बाद आपको इधर फिर से प्रोफाइल पे चले जाना है। प्रोफाइल पे जाते ही सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग क्लिक करते ही आपको फिर से एडवांस सेटिंग में, फिर आपको इधर ऐसा कुछ आएगा, तो आपको हेयर पे नहीं क्लिक करना, अब करना है क्लेमेट पे। तो देखिएगा सभी क्लेमेट पे क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अब हमको दिखा रहा है कि आपने जो नाम लिखा था पहले से वो लगाना है या अनदर। तो देखिएगा इसे इधर आपको आपके जो आपका यूट्यूब का नेम होगा ना वैसा आपको रखना पड़ेगा, और इधर साथ में आपको कुछ वर्ड्स भी ऐड करने होंगे। जैसे मेरा यूट्यूब का पूरा चैनल नेम ये है, तो इधर आ रहा है मैनी पीपल हैव टू द सेम नेम। तो इधर मुझे को फ्यू लेटर कुछ भी लेटर मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैं वन और एल ऐड कर देता हूँ। तो देखिए एल ऐड करने के बाद अब टिक का निशान आ गया, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ चेंज ओंस कन्फर्म कि आप कन्फर्म हो, तो यस। तो देखिएगा इस मेरा कस्टमर क्रिएट हो गया, तो मैं आपको फिर से एक बार चेक करा देता हूँ। इधर मैं आपको अभी मैंने डिलीट किया था ना अपना कस्टमर, तो देखिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ सेटिंग पे जाके कि मेरा हुआ है कि नहीं कस्टमर। तो देखिए मेरा हो गया है कस्टमर, मेरे कस्टमर लीज ये देख लीजिए आपके सामने। अभी आ रहा था क्लेमेट, तो मैंने उससे क्लेमेट कर लिया अपना। तो इस तरीके से आप अपना कस्टमर चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो ऐसी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे मिलते हैं अगली वीडियो में।